लोकसभा चुनाव में इस बार खटाखट शब्द का इस्तेमाल खूब हो रहा है। हर सियासी दल अपने हिसाब से इन शब्दों का इस्तेमाल करने में जुटा हुआ है, जिसके बाद अब भाजपा नेता माधवी लता ने भी राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार किया है। का मतलब है मोदी भाई खटाखट 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 400 पार करेंगे और ये लोग फटाफट 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 यहाँ से निकल जाएंगे। हैदराबाद से लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता वाराणसी पहुंची हैं, जहां माधवी लता ने सबसे पहले देवी मां के समक्ष मंचोच्चारण किया, जिसके बाद 400 पार का दावा करते हुए विपक्ष को निशाने पर लिया और खटाखट शब्द का अर्थ अपने हिसाब से बता डाला। माधवी लता ने कहा कि इनका यानी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव का कहने का मतलब है कि पीएम मोदी खटाखट 400 पार करेंगे और ये लोग फटाफट यहाँ से निकल जाएंगे। भैया इनका कहने का मतलब है मोदी भाई खटाखट 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 400 पार करेंगे और ये लोग फटाफट 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 यहाँ से निकल जाएंगे। साथ ही आरक्षण के मुद्दे पर बात करते हुए माधवी लता ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि राहुल भैया की पढ़ाई में कहीं तो कोई गड़बड़ी हो गई है। ये आरक्षण निकाल भी देना चाहते हैं और दिल से जान से खून से कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षण करना चाहते, तो पहले से मैं यही कह रही हूँ भैया कहीं तो कोई गलती गड़बड़ हो गई है, राहुल भैया की पढ़ाई में कहीं तो गड़बड़ हो गई है। असल भारत देश में हर बच्चा जो भी एक ऐसे स्तर पर आता है जहां वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर पढ़ा होता तो ये दो मुद्दे एक ही जगह नहीं रह सकते हैं। आप आरक्षण निकाल भी देना चाहते हो और कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षण भी करना चाहते हो तो ये मुद्दा वही कह सकते हैं जो इस देश के नहीं हो सकते हैं। तो राहुल भैया को फिर से मैं कहती हूँ आप 9वीं कक्षा 8वीं कक्षा में आ जाइए, फिर पूरा भारत देश में पढ़ाई करिए, कम से कम एक डिग्री तक तो छात्र बनिए, तब आपको क्लैरिटी रहेगा कि इस देश का आरक्षण उसी प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन हमसे कहती है, तब जाकर कॉन्स्टिट्यूशन को दिलो जान से आप संरक्षण कर रहे हो। तो कहीं ना पढ़ाई में बहुत गलती होगी उनसे, बेचारे वो क्या कर पाएंगे, उनका तो माता पिता की जिम्मेदारी होती है ये तो। वहीं पीएम मोदी के आध्यात्मिक प्रवास के लिए कन्याकुमारी जाने को लेकर विपक्ष के द्वारा की गई बयानबाजी पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मोदी जी को कैसे रोकें। अरे वाह, तो अभी ये लोग हमारे खाने पर पीने पर भगवान सांस लेने पर भगवान का नाम लेने पर ये कौन से बना रहे कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ फंडामेंटल राइट है भाई हमारा 21A के तहत वी हैव फंडामेंटल राइट टू रिलीजियस एक्सप्रेशन। ये मैं कह रही हूँ ये लोग भोखला गए हैं, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गई है, तो ये लोग समझ नहीं पा रहे कि मोदी जी को क्या कर कर रोके। मोदी जी अपने आप हैं, अगर जिस दिन ये इस्तेमाल करना चाहेंगे उस दिन ये लोग ठहर भी नहीं पाएंगे, बोल भी नहीं पाएंगे। तो सभी का अपना अपना हक बनता है, जैसे कि हम इधर आए हैं शंकर भगवान माता रानी का नमन करे हैं, ये क्या अब हमसे अपना धर्म को भी छीन के उखाड़ के फेंक देंगे। सुनो भाइयों क्या प्रधानमंत्री जी का अपना मेडिटेट करने का ध्यान करने का हक भी निकाल के फेंकना चाहते हैं, अभी इनके हाथ भारत देश पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या हमने तो कभी किसी से नहीं कहा है क्या मस्जिद मत जाओ आप दरगाह मत जाओ, हमने तो नहीं कहेंगे, ना कहा है ना कहेंगे। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा में खटाखट शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि इंडी गठबंधन की सरकार बनते ही सभी के खातों में पैसे खटाखट आएंगे। उधर प्रधानमंत्री मोदी भी कई रैली में इसी शब्द के सहारे कांग्रेस पर कई बार पलटवार कर चुके हैं, जिसके बाद अब भाजपा प्रत्याशी माधवी लता ने अपने अंदाज में खटाखट का मतलब बताते हुए विपक्ष पर पलटवार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।